नूरपुर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद हमीरपुर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और नूरपुर हादसे के बाद पुलिस प्रशासन के जागने पर यातायात पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। हमीरपुर पुलिस ने शहर में निजी स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान 9 निजी बसों में अनेक प्रकार की खामियां पाई गई। मौके पर एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने खुद जाकर इन बसों पर कार्यवाही करते हुए इनके चालान किए। बहरहाल पुलिस की इस तरह की औचक कार्यवाही से निजी स्कूल प्रबंधनों में हड़कंप मच गया है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि निजी बसों की चेकिंग के दौरान 9 बसें ऐसी पाई गई जिनमें जीपीएस, फर्स्ट एंड बॉक्स सहित अन्य सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, एक अटेंडेंट, बस में सवार बच्चों की लिस्ट आदि का होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहा खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में जितने भी स्कूल बसें चल रही है वो नियमानुसार चल रही हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उसमें पूरे संसाधन है या नहीं है इसको ध्यान में रखते हुए आज विशेष अभियान रहा जिले में, और कितने चालान हमने किए और कितनी बसें चेक करी वो डाटा शाम तक पहुंचेगा सभी थानों से, इसके बाद ही हम बता पाएंगे। पर कुछ बसेज का हमने मौके पर मैंने चालान करवाया और बच्चों से भी बात करिए कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहें। अगर जो बस का ड्राइवर है वो कुछ गलती करे तो ऑब्जेक्शन करें उस पर, और अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो वो अपने घर बताएं, स्कूल में बताएं, हमें बताएं। इस संबंध में आज जब चेकिंग की गई तो एक टेम्पो ट्रैवलर इस काम में यूज़ किया जा रहा है, उसका चालान किया है और हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह की कोई गाड़ी यूज़ ना की जाए जो कि स्कूल बस के रूप में जिसको निर्धारित नहीं किया गया, तो आगे से इस तरह की कोई भी गाड़ी यहाँ जिले में नहीं चलने दी जाएगी और इस बात का हम ध्यान रखेंगे। गौरतलब है कि कांगड़ा के नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद प्रदेश भर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। बच्चों के अभिभावक अब बस हादसे के बाद खुद स्कूल छोड़ने जाने लगे हैं। हादसे का डर हर किसी अभिभावक के मन में हावी हो गया है। हिमाचल में हुई भयावह वाहन घटनाएं इस बात की साक्षी हैं कि ज्यादातर वाहन दुर्घटनाएं ओवरलोडिंग की वजह से हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र ने इन दुर्घटनाओं से आज तक कोई सबक नहीं लिया और न ही कोई सख्त कदम उठाए हैं। यही वजह है कि हिमाचल में दुर्घटना पर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया है, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है।